तुम कर दो फिर मैं नीचे का करूंगी साथ। कार्तिक बाय बाय बोल दो तो। हेलो हेलो सर, इधर इधर एक लुक, एक लुक सर। ओए शोर नजर से झांकने का नहीं, ठीक है। तो गाइस देखो, एक नया काम वाली रखा हम लोगों ने और एक वो काम वाला। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है डेविड लाइफ। और गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। गाइस और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम और जय श्री हनुमान। गाइस और आज हमारा लास्ट डे इस घर में, क्योंकि हम कल रूम शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट करने के लिए लेबर भी बुलाया हुआ है। तो हमारे शिफ्ट करने के लिए हमारे लेबर है जिसका नाम मोमो है और पूरा नाम डोरीमी है। तो लेबर जी आप तैयार हैं रूम शिफ्ट करने के लिए? रूम शिफ्ट कल होगा, अभी सिर्फ मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्शन नहीं, सफाई के लिए जा रहे, सीधी बात है। ये जो भी बोल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ झाड़ू पोछा मारेगी रूम में और कुछ नहीं है इसका काम, मेरे साथ नहीं, यही करवाएगी। नहीं, सफाई करने जा रहे हैं ताकि कल ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज शिफ्ट नहीं कर सकते, आज सैटरडे है और सैटरडे में कुछ होगा तो डैडी जी ने मना कर दिया है। यस, डैडी जी ने मना कर दिया कमरा चेंज करने के लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे जहाँ पे हमने कमरा लिया है। तो वहाँ तक हम सफाई करेंगे पूरा, मकड़ का जाला वाला जो भी गंदगी वगैरह साफ ऑफ करके एकदम क्लीन करके रख देंगे, जिससे कि हम नेक्स्ट डे शिफ्ट करें तो हमें वो गंदा ना मिले ज्यादा। गंदा क्या, पूरा साफ मिले, सफा साफ। तो तू जा रहे पोछा मारने के लिए? पोछा तुम मारोगे ना? क्यों, ये तो लड़कियों का काम होता है ना पोछा मारना। देखो ये गलत बातें मत बोला करो। गलत बातें कहाँ से यार? पोछा मारना, झाड़ू मारना, किचन में काम करना, ये लड़कियों का एक गुड होता है, एक गुड वेब्स होता है। इसका मतलब ये नहीं होती कि वो माथे पे ही लिखवा के आगे, भाई तू लड़की तो पोछा ही मारना, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? पहली बार इसने मोमो समझदारी की बात करी, बस मैं समझदारी का टेस्ट ले रहा था कि ये चीज का आंसर कैसे देती। नाइस, वेरी नाइस। ओह एंट कितना दिखा रही बाल झाड़ के बाद। तो गाइस चलते हैं फटाफट से, फटाफट चले चला ना मोमो। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं, अभी मैं भूषण के घर पे हूँ। तो मैंने देखा कनिका नहीं है, कार्तिक के लिए ड्रेस लेने गई है एंड कार्तिक सो रहा था। मैंने पूछा कार्तिक क्यों अकेले, तो कार्तिक सो रहा था, रवि संभाल रहा था। तो फिलहाल मैं कार्तिक के साथ खेल रही हूँ। भूषण और डेविड गए हैं बाहर, लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक होते हैं उनके पास गए हैं पूछने के लिए। लाइक वो सीढ़ी होती ना ऊपर चढ़ के साफ करते, इसको बोलते जैसे ये है यहाँ पे, इसको टांड बोलते हैं या क्या बोलते मुझे नहीं पता। तो वो साफ करने के लिए सीढ़ी लेने गए हैं, जो लैडर होता है ना वो, है ना कार्तिक? ये देखो कार्तिक क्या कर रहा है। कार्तिक हाय बोलो। कार्तिक अभी मेरे साथ बहुत खेल रहा था, वो वहाँ पे ना कॉकरोच, इतना छोटा वाला जो कॉकरोच होता है ना, फिर उसको देख रहा था, उसके पीछे पीछे भाग रहा था। फिर एकदम से वो इस कार्तिक के पास है ना, डर के मेरे पास आ गया। एंगा हाय बोल दो, समझ रहे हो? ड्रेसिंग वाला ना यही रखना तो अच्छा भी लगेगा। अपना बैग वाला जो सूटकेस वगैरह भी ऊपर रख सकते हो, कपड़े निकाले बेड पे रखे, निकाले फिर ऊपर रख दिए, है ना। हेलो डेविड को अगर कॉकरोच दिखे ना वहीं से कूदेगा तुरंत। तुम कर दो फिर मैं नीचे का करूँगी साथ। तो अंदर की सफाई मैं कर रही हूँ किचन की। मैंने कहा चलो डेविड बाहर का ऊपर का कर रहा है जो मैं नहीं कर सकती, तो मैं किचन का साफ सफाई कर रही हूँ। ये अभी सब ऐसा लग रहा है टूटा फूटा सा, लेकिन जब एक बार वो हो जाएगा ना, सब कुछ सेट हो जाएगा, यहाँ पे वो होता है ना पिन्नी, वो किचन में जो लगती है सेफ्टी वाली, वो लगेगा। यार क्या ही है यार, इतना क्या गंदगी रख के जाना है बताओ। कीले ये ओ भाई, तो झाड़ू वाड़ू लग रहा है, झाड़ू लगा ले फटाफट अच्छे से। समझ गया, तो ये पूरा ये मैं पूरा रगड़ूंगा अभी, सब अच्छे से रगड़ूंगा एकदम। तो इसमें ऑयल वगैरह लगे बहुत ज़्यादा, देखो मैंने पूरा मकड़े का झाड़ साफ कर दिया, क्लीन हो गया पूरा। ओए ओए ओए
चूरन नजर से झांकने का नहीं, ठीक है। और देखो गाइस, ये बचपन की चीजें खा रहा है जो चूरन में मिलती थी पहले। अच्छा को उठा के लेके नहीं गए थे। कौन सा मौसम है, कभी बारिश होता है, अभी बरसात। तो गाइस देखो, एक नया काम वाली रखा हम लोगों ने और एक वो रखा काम वाला, काम वाला। क्योंकि एक एक के साथ एक फ्री है गाइस, हमने एक को बुलाया था तो एक फ्री है। देखो गाइस इस रूम से देखो कितना कचरा निकला। यार एक एक करके बोल लो यार, मछली बाजार बना दी तुम लोगों ने। तो कपल फूड ब्लॉगर देखे होंगे, कपल सफाई वाले नहीं देखे होंगे। इतना पूरा कचरा निकला है। और ये अंदर देखो क्या कर रहा है ये भाई। दीवारें कौन साफ करता है, दीवार भी साफ करते है क्या? तो गाइस देख रहे हो दीवार वार सब साफ रख कर रहा है। अभी प्लस्तर साफ करेगा, है ना भैंस की। भाई सही में तो लग रहा है कि भैंस के तेरे को ना सैलरी पे रखा है तेरे को। सही में ऐसा लग रहा है कि सैलरी पे रखा था तो काम करने के लिए, इतने शिद्दत से काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट घर आप देख सकते हो साफ सुथरा लग रहा है। अब पेंट वेंट होगा, नीचे फर्श तो साफ हो गया है, किचन भी साफ। यार ना यहाँ पे सारा का सारा पानी हमने डाल दिया नाली पे और ये पूरा साफ हो चुका है। वहाँ चिल्ला रही है वो ना, लाइट चली गई है। आ गया, रुक जा, लाइट चली गई, डर गई, हाउ करने लगी। तो ये साफ कर ही देगा, इसमें पानी चाहिए बस, ये ऐसे पोछा मार दे इसमें एक बार, ठीक है। हां गाइस ये एक बार फिनाइल से पोछा मार जाए ना और अच्छा लगेगा, ठीक है। पर इतना अरे नहीं, उनके पास ले लेंगे, खरीद लेंगे। ये जो काला एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा पेंट होगा अभी। और गाइस जो फर्श थोड़े बहुत तो क्रैक लग रहे हैं ना, क्रैक थोड़े थोड़े फर्श है, ये सारे के सारे फर्श ना भी ना दोबारा बनेंगे। तो मैंने यहाँ के लैंडलॉर्ड को बोल दिया है कि थोड़ा सा साफ करवा देना है, टूटे टूटे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा। और यहाँ पर नाली में जाला लगाना है कि यहाँ से कॉकरोच मारना है। सो फाइनली हमारी सफाई पूरी खत्म हो चुकी है। क्या टाइम, टाइम 4 बज गए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बर्तन धोने के लिए अंदर है वो पॉट। अब मेरे पापा देखो कमरे का जायजा लेने आए हैं आज रात, मतलब कि एक छोटा सा टेबल बनो। हाँ समझ गया। हाँ यहाँ ऐसी रखेगा, नहीं ऐसे रखेगा, इधर पानी का काम है ही नहीं, पानी का काम यहाँ होगा बाथरूम में। ये टाइम वाला पानी है, सप्लाई का पानी पीना तो यहाँ से पी सकते हो लेके। और रूम तो अपने देख लिया है, साफ आफ कर दिया गया हम लोगों ने पूरा रूम। बोलो कुछ बोल रहे थे। फ्रिज ये रहा ना, प्लग फ्रिज। The next day. तो इसी के साथ डेविड का रूम शिफ्टिंग स्टार्ट हो गया है और आधे से ज्यादा सामान पैक कर दिए हैं। देख सकते हो घर कचड़ा लग रहा है अभी, कचड़ा बिल्कुल। अभी ये बेड निकलने में थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो डेविड स्कूटी हटा रहा है। हेलो हेलो सर, इधर इधर एक लुक सर। जोश आज दी जोश जोश आप कहूँ ना, फिलहाल का जोश बताओ। मस्त बढ़िया, मस्त बढ़िया। कितना टाइम लग जाएगा शिफ्ट करने? आधा घंटा बस। आधा घंटा बस सामान वहाँ ऐसे रखने में, वहाँ शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना। ओके अभी मैं दो बार राउंड मार चुके ऑलरेडी, पसीना देख रहे हो शक्ल पे कितना आ रहा है। ऐसे जब हमारा घर शिफ्ट हुआ था तो डेविड ने भी ऐसी मेहनत की थी। तो वैसे तो डेविड हर मतलब कोई भी बुलाते तो सबकी मदद करता है। तो ये देखो मेरे हाथ लाल हो गए। किचन का सामान मैंने ऑलमोस्ट भर लिया है और अभी मैं ट्राईपॉड ट्रॉली व्रॉली दो बार राउंड मार चुकी हूँ। आधे से ज़्यादा सामान हमारा जा चुका है घर का और कुछ सामान रह गया, जैसे मंदिर रह गया है और छोटे मोटे बक्से जो होते हैं ना, टेबल स्टूल ये सब चीज़ें रह गई हैं।
तो बस वही ले जाना है, बस और कुछ नहीं। अब वहाँ जाके घर सेट करना है, यहाँ से सामान चला जाएगा तब। तो दीपेश ने हमारी बहुत मदद की आज। कहाँ रह गए थे? सामान वो करवा रहा था, समेट रहा था। छोड़ दे, छोड़ो छोड़ो। One hour later. अरे वो फट्टी है ना। नहीं मिल पाएगा। बाय 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 बाय। तुम भी जा रहे हो क्या? हैं? कहाँ तक? उसको बैठा, वो बैठेगा। फाइनली कार्तिक मेरे पास है और पीछे वो मतलब हमारा शिफ्टिंग करा था डेविड, इस वजह से ऐसा हो गया तो छोड़ने आया। लोग आ रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं। नहीं मैं आया सीरी, मैं गया सीरी। कार्तिक साइड हो जाओ। क्या कार्तिक? बाय बाय बोल दो। तो जा रहे हैं, सेफ्टी से जाएं, सेफ्टी से आएं, फिर हम लोग भी चलेंगे, है ना। शुभ रात्रि गाइस, आराम से जाइए, आराम से आइए। रात्रि नहीं, वहीं मिलेंगे, बिहारी मिलेंगे सीधा। कहाँ है गाड़ी? भाई बंधु टिकट टू हॉलीवुड, ठीक है। आपसे 2 महीने बाद अब मैं आ रहा हूँ ना, 2 महीने बाद मिलेंगे हमसे, 1.5 महीने बाद है। चलो ऑटो भैया, आराम से ले जाना इन्हें। बाय बाय, आपको भी। चल बाय। आज ही हम सारा का सारा काम खत्म कर देंगे घर का, और थक गए वैसे। मैंने भी बहुत काम। हाँ, ये अंदर का सारा किचन किचन सारा सेट कर दिया। नहीं किचन नहीं, मैंने एक हाथ में ट्रॉली रखा था, एक हाथ में दूसरा ट्राइपॉड और रिंग लाइट। हाँ, एक बार जितनी की है नहीं उतना सामान उठा के अला रही थी, मेरा थक जाएगी। अरे नहीं मैं उठा लूँगी, नहीं उठा तो लेके आएंगे वैसे ही। और अभी लोग घर जा रहे हैं, काम करके पूरा खत्म करके आराम से आराम करेंगे, चलते है। सो मैं अभी ऑफिस आ चुकी हूँ, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे यानी कि मंडे, ठीक है। और व्लॉग यहीं तक था, हमने मतलब ऑलमोस्ट सारा जो रूम वूम शिफ्ट है और जो फाइनल लुक होगा वो पूरा जब हम फ्रेमिंग मेरा मतलब है जो जहाँ पे चैलेंज वगैरह वो कर देंगे, सेटिंग वेटिंग हो जाएगी पूरी प्रॉपर सेटिंग जब हो जाएगी तब दिखाएंगे। एंड अगर मेहनत पसंद आई है और डेविड का घर चेंज हो गया है तो काफ़ी सारे प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का नाम आ रहा है मोमो डेविड, जाइए फॉलो कीजिए और बात कीजिए। और मुझे ये भी बताना किस किस को फाइनल लुक देखना है घर का और किसको नहीं देखना होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।